पुलिस से भय जो गरीब को लगेगा, जो काले नस्ल के व्यक्ति को लगेगा, जो दलित को लगेगा, जो मुसलमान को लगेगा, बिल्कुल सरकारी तंत्र से भय न महसूस करना पड़े, वो होगा असली लोकतंत्र। मोदी जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सब कुछ हम करेंगे, आपको आज्ञा कर्तव्य निभाना आपको है, हम जो है हम आपके लिए लाभ देंगे, आप लाभार्थी बने रहेंगे, आप अच्छा बिहेव करिए तो लाभ मिलेगा, आपने गड़बड़ बिहेव किया तो आप नागरिक ही नहीं रहेंगे कल को। आपके सोच पे, आपके मैंने पहनावे पर, आपकी बोली पर, आपके काम पर, आपके मैंने आप सारी चीज़ें, आप कितना मतलब आप आपका पीरियड हुआ है कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, क्या सारी चीज़ों पे निगरानी है। नमस्कार, आज बातचीत हमारे साथ हैं कविता कृष्णन, परिचय मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। आप जानते हैं देश में चाहे वो महिला मुद्दों पे लड़ाई हो, मजदूरों की लड़ाई हो, जनता की जैसी भी लड़ाई हो, जो जो नाम सबसे पहले सुनाई देते हैं, जो चेहरे सबसे आगे दिखाई देते हैं, पिछले कम से कम 2-3 दशकों से मैं लगातार देख रहा हूँ, आप सब देख रहे हैं कि कविता उनमें से एक है। अभी CPIML से वो अलग हुई और अलग होने के बाद बहुत सारे सवाल उठे उन्होंने। एक तो मैं बधाई दूंगा कविता आपको भी और CPIML को भी कि मैंने अपने जीवन में पिछले 30-40 सालों में इतनी शांति से और इतनी गरिमा के साथ किसी को संगठन से दूरी बनाते हुए नहीं देखा और किसी संगठन को उस पर रिएक्ट करते हुए नहीं देखा। मैंने लिखा भी था कि ये खास तरह की मैच्योरिटी है, हम किसी संगठन से अलग होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उसके दुश्मन हो गए, हमारे ढेरों दोस्त होते हैं, हमारा एक इतिहास होता है और हम उसका सम्मान करते हैं, और ये चीज़ वहाँ पर दिखी, इसके लिए दोनों को मैं अलग से बधाई दूंगा। आज कविता जी से थोड़े से सवालात मैं इन्हीं सारी चीज़ों पर, वो क्या मुद्दे थे जिनसे पार्टी से आप अलग हुई, आगे क्या सोच रही हैं, थोड़ा सा इतिहास पर, थोड़ा सा मार्क्सवाद पे, ये सारी बातचीत हम करेंगे। अब पहला सवाल तो यही पूछूंगा कि आप CPIML के संपर्क में कैसे आए। मैं तो 90 के दशक में JNU में स्टूडेंट के रूप में आई, MA में। उससे पहले मैं बॉम्बे में 90-93 BA मैंने किया, तो उसी समय बाबरी मस्जिद डेमोलिशन का दौर था, तो जो मैं बॉम्बे में देख के आई थी तो बस एक तरह से जो हिंदू वर्चस्ववादी जो ताकतें थीं उतनी राजनीति में समझती थी कि ये लोग तो वही हिटलर वाले लोग हैं और एकदम महिला विरोधी हैं और इनके खिलाफ तो महिला विरोधी, मुसलमान विरोधी, तो उससे एक रिएक्शन था ज़रूर। JNU आकर के सबसे ज़्यादा जो बहुत क्रिएटिव तरीके से हिंदी भाषा में बढ़िया तरीके से इस पर बोलने वाले आयशा के लोग थे, तो आयशा को वोट उट देती थी मैं। राजनीति में आने का मेरा कोई प्लान नहीं था और काफ़ी मैंने भागने की कोशिश की उससे पूरी, लेकिन यही था कि एक तरह का वहाँ पर एक थोड़ा प्रेशर मुझ पे ही, मॉरल प्रेशर एक लगने लगा, क्योंकि अगल बगल जो देखने लगी मैं कि यंग लड़कियाँ भी AVVP से इफ़ेक्ट हो रही हैं, वो उसकी राजनीति का रियल मीनिंग समझ नहीं पा रही हैं, तो ये लगा कि मैं कैसे इस पर चुप रह सकती हूँ। तो इसमें उतर करके बात करने का काम, एक जिम्मेदारी उसी से मैं, जो 90s का दौर तो पूरा था ही, आर्थिक सामाजिक सारे बदलाव आ रहे थे, तो बड़े बदलाव थे, लेकिन उस समय मुझे ऐसा में जो मेरी जो सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे पीछे रोकता था राजनीति से, एक तो था प्राइवेसी का सवाल, मैं बहुत प्राइवेट पर्सन थी, तो एक पब्लिक फिगर वाला बहुत मैंने परेशान करने वाली चीज़ होती थी, और दूसरी चीज़ ये थी कि मुझे लगता था कि मैं किसी संगठन का जो बहुत टाइट एक स्ट्रक्चर होता है, लाइन टाइप होती है, तो मैं खुद ही तो सोच रही हूँ अभी, सोच तो जस्ट, तो ये लगता था अगर मेरी सोच नहीं मैच की संगठन से तो क्या होगा। लेकिन ऐसा में मुझे वो बहुत एक तरह से बहुत सुकून मिला, क्योंकि एक तरह से बहुत सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पर बदले और कई चीज़ों को नए तरीके से आर्टिकुलेट करने की जगह, नारीवाद के तौर पे और चीज़ों के LGBTQ सवालों पे, इन चीज़ों सब पे एक तरह से बाद में पार्टी को भी गाइड करने की जगह वो थी, और किसी ने उस पर बहुत मैंने एक लगाम वाला फीलिंग ही नहीं आया, तो ये बहुत मुझे रीअश्योर किया था। मतलब पार्टी ने आपको शेप किया होगा, आपने पार्टी को शेप किया होगा, बिल्कुल, 30 साल का साथ फिर अचानक। हाँ, मैंने मुझे भी आप सच पूछिए तो अभी बहुत वो कैसे हुआ क्या हुआ अभी भी मैं ठीक से उसको प्रोसेस नहीं कर पाई हूँ, तो इसलिए मैं एग्जैक्ट वो क्या हुआ और कैसे हुआ उस पर मैं बहुत जाना ही नहीं चाहती, लेकिन ये सवाल ज़रूर मेरे अंदर, मैंने ये कोई झगड़ा या क्वारल या कोई मैंने लाइन की स्ट्रगल वो सब था ही नहीं,
असल मामला ये बस इतनी थी कि अर्जेंसी एक लग रही थी कि भारत में हम लोग एक खास लड़ाई लड़ रहे हैं इस समय, और हम संविधान और लोकतंत्र ये सारी चीज़ों के जो रियल मायने हैं उनको बड़ी बारीकी से समझ के लोगों को समझाने की कोशिश करके एक तरह से एक बहुत कठिन परिस्थिति में जहाँ पर बाढ़ आया है वहाँ पर आप किसी तरह बांध लगा करके आप कोशिश कर रहे हैं बचाने की, और उसमें आप आगे भी सोच रहे हैं कि इससे आगे लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि एक खास तरह का बदलाव हिंदू वर्चस्ववाद चाहता है और हम एक खास तरह का बदलाव चाहते हैं। हमारा बदलाव कैसे होगा, क्या होगा उसमें, उसका एक इमेज क्या दिखाएं लोगों को, ये भी एक बात आता है। तो उस अर्जेंसी में मुझे लगने लगा कि भाई बगल में चीन है, कोई पूछेगा हमसे तो उनके दिमाग में तो ये आएगा कि ये बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, चीन बनाएंगे। तो भाई चीन तो वो तो क्या कहते हैं, दुस्वप्न है वो तो उस दुस्वप्न को हम थोड़ी कहेंगे कि जहाँ कोई आज़ादी नहीं है, कोई बोलने, जो सारी चीज़ें हम आज कह रहे हैं कि मोदी राज उसे ख़त्म कर रहा है, वो तो वहाँ बढ़िया से ख़त्म किया हुआ है, कुचला हुआ है। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि लोग मूर्ख हैं देश में, वो जानते हैं इस चीज़ को। तो उसमें हमारे लिए एक बोलने की अर्जेंसी, फिर मुस्लिम विरोधी राजनीति चीन कर रही है अपने अंदर, मुसलमानों को कंसंट्रेशन कैंप में डाली हुई है, उइगर मुसलमानों को, म्यांमार को वो खुद ही बैकिंग दे रही है, म्यांमार की मिलिट्री को फंडिंग दे रही है, जो कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ जो भयानक ये कर रही है, बिल्कुल जेनोसाइड। तो ये सारी चीज़ें, माने भारत भी इसी बेल्ट में है, इसमें जो रिश्ते हैं इस पर जब कुछ मैं बोलना सोचना शुरू की तो एक बहुत एक तरह से क्या कहें डिस्कम्फर्ट दिखने लगा, मतलब हमारे साथियों में भी औरों में भी, कि ये मत अपना चीन की आलोचना बिल्कुल करिए, हम करते भी थे लिबरेशन में किया भी, लेकिन आलोचना एक खास दायरे में करना है, आलोचना आप खूब करिए, लेकिन एक ये समझते हुए कि एक समाजवादी देश है जो कि थोड़ा भटक गया है, या बहुत हुआ तो कहेंगे कि ये तो राज्य पूंजीवाद है, तो उसे तो ये तो मुझे लगा कि ये तो थोड़ा पल्ला झाड़ने वाली बात हुई भाई, और थोड़ा हल्का शब्द हुआ। मैंने कहा इससे बड़ी तानाशाही क्या हो सकती है जो चीन में है, बहुत भयानक तानाशाही है, टोटलिटेरियनिज्म है, टोटलिटेरियन मतलब टोटल सत्ता जो राज्य के पास हो, सर्वसत्ता, तो सारी सत्ता। चाइना पे थोड़ी सी बात करने की, चाइना में क्या लगता है, माओ के पहले ये शुरू हो गया था या माओ के बाद शुरू हुआ? देखिए मुझे वही लगता है कि चाइना का इतिहास और पढ़ना होगा, और मैं बिल्कुल उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, मेरी पढ़ाई कम है वहाँ, लेकिन इतना मुझे लगता है कि जैसे जो वहाँ पर जो भूखमरी हुई उसके बारे में अगर हम सोचें, और वो इसको मैंने गलती के रूप में स्वीकार तो सब करते हैं, हमारे साथी भी करते हैं, लेकिन गलती के जो जड़ थे वो कहाँ थे, उसमें मुझे हमेशा लगता है कि जैसे यहाँ हम किसान आंदोलन का देखें कि भाई किसानों को लेकर के आप कोई कानून बनाएंगे तो किसानों से ज़्यादा कौन किसान ही जानता है, उनसे पूछिए। तो वहाँ पर मैंने देखा कि भाई किसान चिट्ठी लिख रहे हैं माओ को और कह रहे हैं कि भाई आप जरूर समझते होंगे, यहाँ के लोकल लोग नहीं समझ रहे होंगे, गलती कर रहे हैं, और ये भुखमरी होगी, लेकिन सुना नहीं गया, और भयानक भुखमरी हुई, तो वो जो इतने लोगों की मौतें, तो ये मुझे लगा कि ये जो आइडिया है शायद कि सेंट्रलाइज्ड नेतृत्व का, और ये जो आइडिया है शायद कि हम आगे हैं, तो ज़रूर कुछ मामले में भाई कम्युनिस्ट पार्टी आगे होगी, लेकिन वो आगे इसलिए भी तो होगी क्योंकि वो लोगों से जुड़ी हुई होगी ना, और जहाँ वो और इस चीज़ की उसकी विजडम होनी चाहिए कि वो समझें कि भाई किन किन मामलों में किसानों से आगे जो गैर किसान है वो क्यों होगा, किसानी तो किसान जानेगा। जबकि जनक्रांति के दौर में किसानों का पूरा ख्याल रखा गया था, माओ की किताबें आज भी पढ़िए तो चप्पल उतार के जाइए, फसने नष्ट न कीजिए, क्या क्या उन्होंने कहा था। हाँ, अगर इसको ऐसे देखें कि मार्क्स ने कहा सर्वहारा की तानाशाही, बना दिया गया सर्वहारा की पार्टी, पार्टी मतलब सर्वहारा का प्रतिनिधित्व, और पार्टी का लीडर मतलब सर्वहारा का लीडर और उसकी तानाशाही, ये बहुत सुसंगत लगता है। मुझे जितना मैंने पढ़ा मुझे तो नहीं समझ में आया कि सर्वहारा की तानाशाही का ये मतलब था, आप इसको कैसे देखते हैं? मैं तो देखती हूँ कि देखिए मैं लिटरेचर की स्टूडेंट रही हूँ, तो मुझे तो मार्क्स की भाषा पढ़ करके मुझे लगा कि वो एक रेटोरिकल पॉइंट कर रहे थे, वो लोगों को एक शॉक
से दिखाना चाहते थे कि जिस चीज़ को आप लोकतंत्र समझते हैं, आप सोचते हैं कि वोट कर रहे हैं आप और सफरेज है और क्या क्या है, उस समय हम सब जानते हैं कि वोट भी बहुत सीमित दायरे में था, लेकिन वो आपको शॉक करके दिखा रहे हैं कि ये दरअसल पूंजीवाद का की तानाशाही है जिसको आप सोच रहे हैं, ऊपरी ऊपरी में आपको लग रहा है सब लोकतांत्रिक है, एक्चुअली वो तानाशाही, और वो तानाशाही कैसे काम करती है, वो भूख की तानाशाही, जिसमें उन्होंने कहा कि ऊपर दिखने में तो भाई लगेगा कि क्या बढ़िया रिश्ते हैं, एक पूंजी ला रहा है और दूसरा वो श्रम ला रहा है, दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, इससे ज्यादा जो अच्छा और लोकतांत्रिक व सौहार्दपूर्ण क्या हो सकता है, इक्वल एक्सचेंज है। लेकिन आप नीचे जाइए उसके परत के नीचे तो आप देखते हैं कि प्रोडक्शन की जगह पे जो पूंजीपति है सारी सत्ता उसके पास है और जो श्रमिक है उसके पास कुछ भी नहीं है सिवा उसका श्रम। तो वो जो उसने एक पावर रिलेशन दिखाई और दिखाया कि कितनी भी आप लिबर्टी इक्वालिटी करिए कहिए, असल मामला ये है कि भाई जो भूख से मरने का जो खतरा है वो तो आपकी सारी लिबर्टी की सीमा वहाँ पर बंध जाएगी। तो इसको उन्होंने अलग अलग तरीके से दिखाने की कोशिश की और इसलिए उन्होंने कहा कि भाई जब क्रांति होगी माने समाजवाद होगा तो समाजवाद जो है वो प्रोलेटेरिएट की वो सर्वहारा की तानाशाही होगी। तो वो मुझे लगता है कि कभी कभी जो है वो माने मार्क्स कोई भगवान तो थे नहीं जिन्होंने एकदम मतलब कोई देव वाक्य कह दिया, तो एक रेटोरिकल पॉइंट शायद वो ज़्यादा फेटिशाइज हो गया और शायद अलग तरीके से अगर बातचीत होती दूसरे मौके मिलते तो मैं तो इसको दूसरी तरह से जब मैं बात करती हूँ इस बारे में तो अक्सर करती आई हूँ वर्षों से, मैं इसको कहती हूँ कि पूंजीवादी लोकतंत्र बनाम समाजवादी लोकतंत्र। तो पूंजीवादी लोकतंत्र क्या है, उसमें क्या कमजोरियां हैं, उसमें जो मैंने एक तरह से क्या कहते हैं 70 जोड़ 72 छेद टाइप, तो वो तो दिख ही रहा है उसमें और वो उसमें सुंदर बातें ऊपर और वो असली में कितने लोगों तक पहुंचता है और ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही हैं और ये हैं। लेकिन अगर आप समाजवाद चाहते हैं तो समाजवादी लोकतंत्र को ये पूंजीवादी लोकतंत्र से ज़्यादा अच्छा कारगर और कंसिस्टेंट होनी चाहिए, सुसंगत होना चाहिए और उसमें सही में किसी मेरे लिए ये सबसे मैंने उसका इमेज अगर कहें तो जो भारत में आप देख लीजिए कि भारत में या अमेरिका में मैंने जो आप इतने अलग अलग किस्म के देश, लेकिन एक पुलिस से भय जो गरीब को लगेगा, जो काले नस्ल के व्यक्ति को लगेगा, जो दलित को लगेगा, जो मुसलमान को लगेगा, तो ये जो महिला को लगेगा, जो ये जो भय है तो नागरिक को बिल्कुल सरकारी तंत्र से भय न महसूस करना पड़े, वो होगा असली लोकतंत्र जहाँ लोग को तंत्र से नहीं भय लगना पड़े, बिल्कुल सीधी सी बात है। लेकिन आप देखते हैं कि जो सही में जो बने, चाहे वो स्टालिन के ज़माने में से बना, चाहे वो चीन में जो बना, तो और आज जिस तरह का चीन है बगल में वो बिल्कुल हम देख सकते हैं, तो वो भय का ही तंत्र है पूरा और एक तरह से नागरिक के लिए वो आज्ञा की जगह है, आज्ञाकारी आप नागरिक बनिए, आप कितने आज्ञाकारी है उसके लिए आपको नंबर दिए जाएंगे। राजा प्रजा वाला जो संबंध है वो खत्म नहीं हुआ, बेसिकली दूरियां उतनी ही हैं, उससे अधिक है मेरे अनुसार। देखिए राजा प्रजा के समय में मुझे नहीं लगता कि राजा इस हद तक जो है, कई सारी चीज़ें राजा मैंने बहुत सारी चीज़ें ढीली छोड़ी जाती थी, राजा का राजतंत्र जो है वो सबके घरों में और सबके बेडरूम में और सबके फ़ोन के जरिए घुसा हुआ नहीं था। भाई ये जो सर्वेलेंस तंत्र है जहाँ आप हर समय कहाँ पर हैं, बीबीसी के पत्रकार को चीन ने करके दिखाया कि 7 मिनट में आपके पत्रकार को हम तलाश देंगे, कहाँ पर है वो, क्या कर रहा है, क्या सोच, तो आपके सोच पे, आपके मैंने पहनावे पर, आपके बोली पर, आपके काम पर, आपके मैंने आप सारी चीज़ें, आप कितना मतलब आप आपका पीरियड हुआ है कि नहीं, आपकी प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, क्या सारी चीज़ों पर निगरानी है। तो ये निगरानी वाला बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू जिसको था कि भाई वो ये कोई अच्छा समाज है, ये तो भाई हम हमारे यहाँ करने की कोशिश है, तो मुझे यही लगा कि यहाँ हम इस तरह की सर्वसत्ता न बने इसके लिए बड़ी कोशिशें कर रहे हैं और वो सर्वसत्ता कितना अच्छा होगा मोदी जी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, सब कुछ हम करेंगे, आपको आज्ञा कर्तव्य निभाना आपको है, हम जो है हम आपके लिए लाभ देंगे, आप लाभार्थी बने रहेंगे, आप अच्छा बिहेव करिए तो लाभ मिलेगा, आपने गड़बड़ बिहेव किया तो आप नागरिक ही नहीं रहेंगे कल को, हम जो है वो सारी माने नागरिक सरकार को नहीं चुनेगा, सरकार नागरिक को चुनेगी, यही तो NRCCA था। तो ये जब चीज़ें हैं और यहाँ इससे लड़ रहे हैं हम लोग,
तो ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी अगल बगल की दुनिया में ना देखें और ना पाएं कि कैसे चीन से जो है वो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर का आइडिया, ये जो कर्तव्य का आइडिया, हाँ नागरिक का वो कर्तव्य, आज्ञाकारी नागरिक का आइडिया, ये सारी चीज़ें मोदी तो ले रहे हैं, उनको कोई किसी ने नहीं कहा कि तुम कम्युनिस्ट पार्टी से कैसे आइडिया ले लोगे, चीन का तो कम्युनिस्ट पार्टी है, छी वहाँ से नहीं, सिर्फ हिटलर से लेना, ऐसे नहीं चलता है। तानाशाही लोग आपस में एक दूसरे से सीखते हैं, चाहे जो भी हो, तो ये मुझे बहुत ही अर्जेंट लगा। साथ में जो यूक्रेन की लड़ाई थी उसमें जिस तरह से पूरी दुनिया के वाम ने एक तरह से अपना रास्ता ही खो दिया और वो यूक्रेन के साथ जैसे वियतनाम के साथ खड़े हुए, उस तरह से यूक्रेन की लड़ाई को हम सब अपनी लड़ाई समझें। हाँ, लेकिन वियतनाम तो एक वामपंथी देश था, यूक्रेन तो है नहीं, तो इसीलिए मुझे लगा कि देखिए अगर आप वैसा ही कैपिटलिस्ट देश है जैसे बाकी सब हैं। बिल्कुल, लेकिन चक्कर क्या है कि देखिए लोकतंत्र की जो लड़ाई, माने आज़ादी की लड़ाई, ठीक है, जब भारत आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था तो भारत के जो है वो सिर्फ हम कम्युनिस्ट लोगों का साथ देंगे और भारत पूरे भारत का साथ नहीं देंगे, ये तो जो है वो, लेकिन कम्युनिस्ट लोगों ने तो ये किया था 1942 में, 1942 में बिल्कुल उसका जो लाइन था इसको लेकर के, स्टालिन अपना देश बचाने के लिए कर रहे थे और हमारे लोगों ने अचानक लाइन चेंज कर ली थी। बिल्कुल, और ये बड़ी गलतियां उस समय जो हुई हैं, मुझे लगता है कि इस गलती को गलती स्वीकार करने की जरूरत है। कुछ कम्युनिस्ट है हमारे देश में जैसे लाल निशान पार्टी महाराष्ट्र का, जिसने उस समय इसी सवाल पे अलग हुए थे, कहा था कि नहीं हम इसको, हमें ये नहीं करना चाहिए, तो ये तो मैं, और मैं मानती हूँ कि उस सब के बावजूद भी जो भारत में जो कम्युनिस्ट थे वो माने वो उनको ब्रिटिश लोगों ने भी कहा कि भाई इन पर ये भरोसेमंद नहीं है, ये भरोसेमंद नहीं है, ये हमें हमसे नफरत करते हैं, ये आज़ादी के सच्चे सिपाही हैं और ये भले ही अपना लाइन इस समय ऐसा हो लेकिन इनको जो है ये हमारे अलाइज नहीं। याद रखना पड़ेगा कि उसी समय कम्युनिस्ट पार्टी को फिर से लीगल घोषित किया गया था, उसके बाद लीगल घोषित हुआ था, तो वो तो था, लेकिन हमको लगता है कि जो माने जो आप उस समय के, हाँ सब मैं नहीं पढ़ना चाहता, मैं जानता हूँ, मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ गलतियां हैं या कहीं कोई बड़ी प्रॉब्लम है? बड़ी प्रॉब्लम है मेरा तो, मैं अगर स्टालिन का ही देखूं, हम लोग बात कर भी रहे थे अभी की डिक्रीज की बात कर रहे थे, 1917 के बाद जो डिक्रीज लेनिन ने जारी की है उसको पढ़ के किसी का भी सीना चौड़ा हो सकता है। आप सोचिए जमीन किसानों को देने की बात, मृत्युदंड खत्म करने की बात, मुसलमानों को या और अल्पसंख्यकों को पूरी आज़ादी से अपना धर्म पालन करने की बात, तो कितनी सारी बातें हैं, वो डिक्रीज मतलब मानव इतिहास में एक शानदार उसकी तरह रहेंगी, लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ जैसे जैसे हुआ, क्यों, क्या प्रॉब्लम क्या है? देखिए मैं क्यों में जाने से पहले, क्योंकि क्यों के आप कई सारे वजह तलाश सकते हैं, मेरा सिर्फ दो आंगल, हाँ। थियरी की प्रॉब्लम है कि पर्सन्स की प्रॉब्लम है? पर्सन्स की प्रॉब्लम नहीं है, ज़रूर कोई ना कोई, ये सिर्फ पर्सन्स की प्रॉब्लम नहीं है मुझे लगता है, लेकिन कि थियरी की भी, देखिए थियरी मैं बार बार कहती हूँ कि लेनिन की जो पार्टी की भी थियरी है, मानो 1905 में वो बनाने लगे, 1905 से लेकर के 1923 तक, और वो जो बनाए उसको लेकर के खूब आर्ग्यू किए लड़े, और वो तो जाहिर सी बात है कि आप करते हैं जब आप कोई नई चीज़ बनाते हैं उसके पक्ष में, लेकिन जो आपकी एक्चुअल प्रैक्टिस है वो तो इवॉल्व हो रही है, उसी में पार्टी की समझ भी आपकी इवॉल्व हो रही है, और ठीक ठीक आपकी प्रैक्टिस और आपकी थियोरी में देखिए तो 100% मैच नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमने भी एवॉल्व किया है। मैं उस समय तो लेनिनवादी पार्टी का मतलब था, जिसपे लेनिन खूब आर्ग्यू किए कि केंद्रीय कमेटी वो लोकल कमेटी के सदस्य को भी चुनेगी, केंद्रीय कमेटी चुनेगी, बहुत ज़रूरी है। आज कोई भी नहीं कहेगा किसी लेनिनवादी पार्टी में कि भाई ये कोई तरीका है करने का, ये वो कहेंगे कि नहीं लोकल कमेटी चुनेगी, और अगर चुनाव ठीक से नहीं हुआ और कुछ गड़बड़ हुआ है किस जबरदस्ती, तब जो है केंद्रीय कमेटी कहेगी कि नहीं ये लोकतांत्रिक नहीं रहा। तो बल्कि कम्युनिस्ट पार्टियों में एक लोकतंत्र का तरीका है, एक लोकतांत्रिक चीज़ों के करने का तरीका है, आइडियल भी यही तरीका है, और आप भी तो एक तरह से प्रैक्टिस में उसको देखेंगे परखेंगे और उसके हिसाब से आप चलेंगे। मैं तो हमेशा ऐसा ही समझती रही, ऐसा होते हुए देखा भी मैंने कि कोई इसमें कोई माने रिजिड रूल नहीं, जहाँ आपने देखा वहाँ सत्ता नहीं थी। मैं, मेरा एक सीधा सवाल मैं लगातार पूछ रहा हूँ इस बात को कि ऐसा क्या होता है कि जब तक, चलो लेनिन तो बड़े कम टाइम के लिए रहे, स्टालिन की जब तक डेथ नहीं हो जाती तब तक स्टालिन गद्दी नहीं छोड़ते हैं, जब तक माओ की डेथ नहीं होती है माओ गद्दी नहीं छोड़ते हैं, जब तक हो की डेथ होती है हो गद्दी नहीं छोड़ते हैं, और फिर हम हर बार कहते हैं कि इनके गद्दी छोड़ने के बाद क्या हुआ, पूंजीवादी पुनर्स्थापना हो गई। तो ये जो एक पूरा प्रैक्टिस में इस तरह की तानाशाही है, जैसे मोदी चुनाव हार सकते हैं या मोदी की जगह पर कोई नेक्स्ट मोदी आ सकता है हम जानते हैं, लेकिन स्टालिन की जगह पर किसी नेक्स्ट स्टालिन के लिए भी जगह नहीं थी, तो ये केवल पर्सन की प्रॉब्लम कैसे हो सकती है?
बिल्कुल नहीं है, और मेरा मानना है कि ये सिर्फ उस तरह से भी नहीं, मैं मेरा मानना है कि ये जो चीज़ है कि कैपिटलिस्ट रेस्टोरेशन, मतलब ये सिर्फ स्टालिन के बाद हुआ, मेरे ख्याल से ये भी बहुत ही एक तरह से मैकेनिकल समझ है, क्योंकि आप किस चीज़ को समझ रहे हैं कैपिटलिज्म के रूप में, और एक तरह से हमारी परख में कि समाजवाद क्या है, एसेंस में क्या है, उसको हम उसमें लोकतंत्र के लिए, समाजवादी लोकतंत्र के लिए लगभग कोई जगह नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत ही कमज़ोर उसको समझ रहे हैं। बल्कि जो तो जो मैं खुद ही खुद को भी जो समझाया करती थी कि ठीक है, समाजवादी लोकतंत्र के कई कठिनाइयां थीं और स्टालिन के समय में बहुत उस पर माने उसका उसका क्षरण हुआ, लेकिन अब चलिए भाई, और भाई इंडस्ट्रियल विकास हुआ, फाशीवाद से लड़ा गया वगैरह, ये जो कहानी थी ये कहानी एक तरह से खुद को बोलते रहते थे और मानते थे। लेकिन जैसे ही आप मेरा, और मेरा इसमें कोई वो भी नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत लोग इसको बहुत जेन्युइनली बिलीव कर सकते हैं, ठीक है, आपको लग सकता है कि भाई बड़ी कठिन परिस्थितियों में चारों तरफ से घेरे हुए हैं, आपसे कुछ गलतियाँ हो जा रही हैं, गलतियाँ हैं, लेकिन जब आप पढ़ते हैं डिटेल्स पढ़ते हैं, किसी इतिहास के पन्नों को देखते हैं कि उस समय के सोवियत आर्काइव्स में, तो उसमें तो बड़े उसमें कोई जगह नहीं बचती है बच निकलने के लिए। उसको आप पढ़ते हैं तो उसमें प्योर तानाशाही के अलावा और बहुत ही क्रूर, ठंडे दिमाग से जो क्रूर तानाशाही होती है, जिसमें बिल्कुल ठंडे दिमाग से ये कि हमें लाखों लोगों की जान लेनी ज़रूरी है, लिया कि नहीं, इतने इतने लोगों का रात में आपको प्रोसेसिंग करनी है, उसमें से कितनों को, किसानों की, कितनों को आपने मारा कुलक कह करके, टॉर्चर करवा के कहलवा दो कि हाँ हाँ हम तो कुलक हैं, और उसके बाद में बाकियों को जो है आप साइबेरिया भेज दोगे गुलाग में, ये चीज़ रात पर रात पर रात हो रहा है, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स में है। इससे आप ये कोई पश्चिमी प्रचार है, ये है वो, ये सब कहने की कोई जगह नहीं है। तो इसको जब हम पढ़ते हैं तो मुझे हमेशा लगता है कि मेरा जो रिएक्शन है इसमें, वो रिएक्शन ठीक वैसा ही है जैसे मैंने बचपन में जब हिटलर शाही के बारे में पढ़ा था और एन फ्रैंक के बारे में पढ़ा था और आउशविट्स के कैंप और जो बाकी कंसंट्रेशन कैंप्स थे उसके बारे में पढ़ा था, वही रिएक्शन। आप देखते हैं कि मुसलमानों के साथ किस तरह से स्टालिन ने व्यवहार हुआ, बौद्धों के साथ क्या किया, पोलिश लोगों के साथ क्या किया, टाटार लोगों के साथ क्या किया, यहूदियों के साथ भी क्या किया, मैंने यहूदी जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़े थे, मतलब सबसे ज़्यादा प्रचार किए थे और फंड जुटाए थे सोवियत यूनियन की लड़ाई के लिए, उनकी जो है वो चुपचाप जो हत्याएँ हुई, तो ये सारी चीज़ें, और यहूदी जो नेता थे कम्युनिस्ट पार्टी में, उन्हीं को जो है हिटलर का एजेंट बता करके उनको जो है हमारे खिलाफ हमें मारने की साजिश है कह करके उनको किल किया। नेता चट्टो थे वहाँ पे, भाग के गए थे, लेनिन के साथ थे, उनको मारा गया, बचा कौन? मेरे ख्याल से मेनस्ट्रीम को छोड़ के कोई नहीं बचा। नहीं, बोल्शेविक जो रेवोल्यूशन थी वो क्रांति के लगभग पूरी सेंट्रल कमेटी को मार दिया गया था लगभग। तो इसमें एक तरह से उन सबको हम माने किस हद तक हम खुद को कुछ और चीज़ समझाएंगे ना, तो एक इसमें मुझे दो चीज़ें लगती। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है, ये सब हो सकता है सच हो, लेकिन इसको आप क्यों अभी जिद कर रही हूँ? मैं जिद शब्द का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मैंने सुना है कि आपने मेरा मुझे सवाल पहले ही दे दिया, अगला सवाल मेरा यही था, कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, कि मैं काफ़ी ज़िद्दी हूँ इस मामले में। तो देखिए, ये मैं बताना चाहती हूँ बहुत सीरियसली कि मेरी ज़िद कहाँ से आती है। ज़िद है शायद, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर दो चीज़ें, लोगों को लगता है अभी क्यों, थोड़ा रुक जाते, आराम से करते बाद में, जब अभी नहीं। तो इसमें मेरे दो बातें हैं। पहले तो ये कि भाई ये अर्जेंसी मुझे अभी लगी, तब जा करके आप लोग भी इस पे कहने लगे कि बाद में करते हैं, इतने वर्षों में नहीं किया गया, जब आराम का समय था, जब आराम से आप कर सकते थे उस समय नहीं किया, ठीक है। नई किताबें आ रही थी, उनको आप भी पढ़ सकते थे, आपने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा। जिस समय रशिया टूटा, हाँ, तो बिल्कुल सही समय था बात करने का। बिल्कुल, तो उस समय आपने उसको रिजॉल्व कर दिया ये कह करके कि वो समाजवाद बनाए स्टालिन, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ गलतियां ऐसी की, और वो एक तरफा सोच के चलते कुछ गलतियां थी। लेकिन जब हम ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, अब मैं जेन्युइनली मैं सोचती हूँ, अगेन मैं कह रही हूँ, मैं भाषा की वो रही हूँ स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि ये जो शब्दावली है, क्या यही शब्दावली हम मोदी के लिए कहेंगे? भाई आप कहेंगे कि कुछ गलतियाँ थीं, मेटाफिजिक्स थी, ठीक है, सोच की, एक तरफा सोच की प्रॉब्लम थी,
भाई ये लाखों लाख लोगों के ठंडे दिमाग से हत्या की बात हो रही है। जो आज यूरोप में जिस तरह के देश बने हैं, जो कि एक नस्ल के हैं या ज़्यादातर एक नस्ल के हैं, एक भाषा के हैं, माने ये सारी चीज़ें जिसमें डाइवर्सिटी बहुत कम है, इसको हिटलर और स्टालिन दोनों लोगों ने बनाने में उनकी भूमिका है, जिसकी वजह से आज आपको वहाँ पे नस्लवादी राजनीति की एक वैसी जगह दिखती है। इतना नस्लवाद है वहाँ के यूरोप के देशों में, तो इसको हम कैसे, अगर हमने इतिहास, इतिहास क्या है, सिर्फ कोई कब की बहस तो है नहीं भाई, आज की चीज़ आज समझने के लिए हम इतिहास पढ़ते हैं ना, और मोदी को समझने के लिए हम हिटलर पढ़ते हैं, इसमें किसी को कभी कोई ये नहीं लगता। लेकिन आप हिटलर को पढ़ रहे हैं तो आप तो आधा पन्ना पढ़ रहे हैं, तो जो पन्ना जो किताब यूं है आप उसमें इस तरफ वाले पन्ने को पढ़ रहे हैं और इस तरफ वाले पन्ने को नहीं पढ़ रहे हैं। कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि हिटलर के साथ स्टालिन ने बाकायदा समझौता किया था, जिस समय हिटलर पूरे रूस को, अरे पूरे यूरोप को रौंद रहा था, उस समय स्टालिन साथ शांत बैठे हुए थे जब तक वो अंदर नहीं घुसा बाकायदा। शांत से ज्यादा, मतलब एक्चुअली जो वॉर शुरू हुई तो उसमें पोलैंड पर हमला हिटलर करते हैं और उनके साथ समझौते में समझदारी के साथ में स्टालिन पोलैंड के ईस्टर्न हिस्से में ये करते हैं। वो हिटलर को कहते हैं कि हम आपके खिलाफ, यहाँ नाजियों के खिलाफ कोई संगठित आंदोलन पैदा होने नहीं देंगे, जो आंदोलनकारी थे उनको उठा करके वो जेल में डाले, जो कम्युनिस्ट नेता थे पोलैंड के उनकी लिस्ट में बना करके वो देते थे हिटलर को कि लीजिए लिस्ट, ठीक है, और ये हमने, हम संभाल ले रहे हैं। और उसके बाद में 22,000 लोगों को, जो पोलैंड की पूरी मिलिट्री लीडरशिप, हाँ पोलैंड की पूरी जो इंटेलिजेंसिया थी, उस सबको आपने एक, मैंने एक जंगल में बस लाइन में लगा करके गोलियां मार करके हत्या की। और ये सब उस सिद्धांत के नाम पर जो अंतर्राष्ट्रीयतावाद की बात करता है। नहीं वो तो, और फाशीवाद विरोधी युद्ध को बहुत नुकसान भी पहुंचाया, क्योंकि 35 में ये समझदारी भाई कॉमेंटर ने बनाया कि हमको एकता बनानी है, जो आज हम लोग सोचते हैं ना कि एकता बनाने के, व्यापक एकता की जरूरत है। फाशीवाद अलग चीज़ है, वो सिर्फ साधारण पूंजीवाद या साधारण साम्राज्यवाद नहीं है। तो बाकी साम्राज्यवादी क्या, वो तो भाई ब्रिटिश सत्ता भी उसमें थी जो कि हम भारत पर राज कर रही थी, लेकिन व्यापक एकता बने, सबको लेकर के लड़ना, क्योंकि ये बड़ी बड़ा खतरा है, ये तो समझदारी थी। लेकिन 39 में जैसे ही हिटलर के साथ पैक्ट हुआ स्टालिन का, तो ये पलट गया, और ये हो गया, तुरंत पलट दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, अब तो ये बस साम्राज्यवादी देशों का आपस में युद्ध है, वो आपस में कट मरे, इससे हमको क्या परेशानी है। भाई आपने इतनी कन्फ्यूजन फैलाई उस समय जब युद्ध शुरू हो गया, पहले दो वर्ष सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, उसमें दुनिया के सारे कम्युनिस्ट जो हैं वो कंप्लीट कन्फ्यूजन में हैं, कोई ठीक, मैंने साफ समझदारी नहीं है, सब कन्फ्यूज्ड हैं कि अब हम हिटलर का वो जो हमला कर रहे हैं उसका हम विरोध करें ना करें, हम अपने सरकार से क्या करें करने को, हमारी सरकार पर हम दबाव बना रहे थे कि तुम भी जो है विरोध करो, इसके आगे बढ़ने मत दो, लेकिन अब हमसे कहा जा रहा है कि ऐसा मत करो, कितना, मैंने कितना नुकसान, ये सारी चीज़ें एक तो मुझे लगा, और बाकी तो एक सिंपल, एक सरल बात की जो सॉलिडारिटी की बात होती है, कि हम कहते हैं ना कि कभी कभी कई वर्षों पहले के भी जो जुर्म है उसका आज शायद कोई न्याय संभव नहीं है, लेकिन न्याय का जो जस्ट मिनिमम है कि सच जो है, यू ओ ट्रूथ, स्वीकार तो ना, स्वीकार कर लीजिए, मतलब वो सच जो है कम से कम उनकी जो पीढ़ियां हैं अगली आगे की, उनको वो सच पर अधिकार है, उस सच को तो आप कहिए भाई, भाई गुजरात में जो लोग मारे गए वो भी 20 साल हो गए ना, हमसे आज कहा जा रहा है कि भाई 70 साल पुरानी बातों को, 60 साल पुरानी बातों को आप क्यों उठा रहे हैं, 100 साल पुरानी बातों को क्यों उठा रहे हैं। भाई ब्रिटिश सत्ता भी हमारे देश में भाई चला गया, कितने साल हो गए, 75 साल हो गए, ये हो जाए कि नहीं नहीं जलियांवाला बाग को आज आप क्यों याद कर रहे हैं भाई, अभी क्वीन मरी तो हम क्यों, हाँ क्वीन मरी तो हम क्यों कहें कि भाई वो महारानी जो है वो साम्राज्यवादी उपनिवेशवाद की वो थी, प्रतीक थी, हम क्यों कहें, क्यों कहते हैं, कहते हैं क्योंकि भाई उसको कहीं भूला ना दिया जाए। तो हमको कम से कम सच, एक तो कम से कम बिल्किस बानो के हथियारों को मत छोड़िए। तो अभी कविता कृष्णन कहाँ है, कांग्रेस में जा रही हैं, कर चुकी हैं? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है। देखिए मैं तो पूरी तरह से वामपंथी हूँ, मैं नहीं मानती हूँ, मैं दस दिन पहले तक भी मैं कहती थी कि कम्युनिस्ट होने के लिए आपको कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है, आप नहीं हो सकते कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ। तो मैं तो मुझे नहीं पता कि मैं आज कहाँ हूँ, मुझे समझने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन इतना मैं ज़रूर जानती हूँ कि मैं अंदर से बाहर से सब चीज़ से मैं एकदम टाइट इस मामले में हूँ कि आप कांग्रेस पार्टी में हो करके आप कम्युनिस्ट नहीं हो सकते, नहीं है, दैट्स नॉट ऑन।
और उसका कोई सवाल ही नहीं है भाई। CPIML जो मेरा घर था, जहाँ मुझे इतनी माने इतना खुलापन लगता था, जहाँ लोकतंत्र लगता था, सब कुछ लगता था, वहाँ पर कोई एक जो है पार्टी सुप्रीमो चला रहे हैं पार्टी, उसमें कविता चली जाएगी और वहाँ उसको आराम सुकून लगेगा, भाई ये तो माने कहीं से भी दूर दूर से असंभव। बाहर से तो हम लोग को भी यही लगता है कम्युनिस्ट पार्टियाँ एक सुप्रीमो चलाते हैं, नहीं, और मेरा अनुभव तो रहा है जो मैं वो यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगा कि मैं जहाँ रहा हूँ वहाँ तो सुप्रीमो ही चलाते थे। तो आगे क्या सोच रही हैं आप, जन आंदोलन खड़ा करने का, जन संगठन खड़ा करने का, नहीं अभी सोचने समझने का वक्त? सोचने समझने का थोड़ा वक्त है। मैं जानती हूँ कि जितनी लड़ाइयाँ मोदी सरकार और मोदी राज के खिलाफ हैं, महिला आंदोलन और अन्य जो सिविल लिबर्टीज़ के आंदोलन हैं, उनमें मैं एक हिस्सा के रूप में हमेशा रही हूँ और वो मैं अभी भी निभाऊंगी। बाकी मुझे लगता है कि कैसे लोकतंत्र की समझदारी को ज़्यादा गहरा कैसे बनाया जाए, कैसे, क्योंकि मुझे वो बेहद ज़रूरी लगता है। मुझे लगता है वो एक ऐसा नेग्लेक्टेड टास्क है, क्योंकि वो आप सिखा नहीं सकते हैं किसी को, वो एक ऑस्मोसिस से किसी को अचानक समझ आता है, तो वो समझ में आए इसके लिए आपको एक नाता बनाना पड़ता है, बातचीत का। वो बातचीत का नाता बनाने की कोशिश जो है उसको कैसे आगे बढ़ाएं, वो करूँगी मैं। देखिए, अगर एज अ चुनावी पॉलिटिकल फोर्स देखा जाए तो लेफ्ट की कुछ सफलताएं ज़्यादा दिखती नहीं है, लेकिन सोशल फोर्स की तरह, ऑर्गेनिक फोर्स की तरह लेफ्ट ने पिछले 50-60 सालों में कम काम नहीं किया है। आप एक दौर का आप हिस्सा रही हैं, हम सब हिस्सा रहे हैं, लेकिन उसके पहले भी काफ़ी कुछ हुआ है, उसको कैसे देखती हैं उस सारे काम को? मैं तो मानती हूँ कि लेफ्ट का भारत के अंदर एक बहुत ही अहम भूमिका भारत के समाज को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने में रहा है, तो उसमें अन्य आंदोलनों के साथ, तो इसमें खास करके अगर मैं CPIML का जो मैंने नज़दीक से देखा, उसमें तो बिल्कुल ये साफ बात है कि जो आपको बिहार या सेंट्रल बिहार की पब्लिक भी देख के कहेगी, आपको याद दिलाएगी, याद है लोगों को, उसमें बिल्कुल साफ सी बात है कि उनको पता है कि वहाँ पर आपका जो सिंपल जो भाई आपको चारपाई पे बैठने के अधिकार से लेकर के आपको वो जो है दलित महिलाओं के मैंने बिल्कुल बेबाक तरीके से चलने के अधिकार से लेकर के संगठन बना करके हमको वेजेस पे हम मजदूरी पे हम बहस करेंगे से करके ये वोट देने के अधिकार जो कि जिसको, तो इसमें ही मुझे थोड़ा फनी लगता है कि जब लोग वोट देने के अधिकार कविता कह रही हैं, तो मतलब 47 में हमको वोट देने का अधिकार मिल गया था। हाँ। लेकिन जो लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और ऐसे इलाकों से आते हैं, वो जानते हैं कि कैसे पूरे गांव का वोट डब्बे में पहुंच जाता था और दलितों पिछड़ों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। तो इसको लड़के लिया गया, और लोग आज जो कह रहे हैं ना कि अरे आप तो बुर्जुआ लोकतंत्र की बात कर रही हैं, आप तो क्रांति की बात कर ही नहीं रही, क्या है, तो मैं याद दिलाती हूँ कि भाई बुर्जुआ लोकतंत्र का सबसे बेसिक चीज़ वोट, उसको भी कम्युनिस्टों को लड़के लेना पड़ा, माले वालों को लड़के लेना पड़ा बिहार में, और ये लोग जानते हैं। तो ये और बहुत मतलब क्या शहादतें देनी पड़ी उस वोट के अधिकार को हासिल करने के लिए, तो वो लड़ाइयाँ और सिविल पूरे पूरे हमारे देश का जो सिविल लिबर्टीज़ आंदोलन है वो एक तरह महिला आंदोलन, सिविल लिबर्टीज़ आंदोलन, ये सारे जो हैं वो एक तरह से आपको एक्सपैंड माने संवैधानिक नैतिकता का एक्सपेंशन, उसको अपने लिमिट्स तक कैसे ले जाएं, उसको ज़्यादा मतलब इंक्लूसिव कैसे बनाएं, ये तो लेफ्ट लड़ी है। तो आप जब आदि हैं इसके लड़ने के, मैं जो कह रही हूँ उसमें कतई ये नहीं कह रही हूँ कि लेफ्ट में मत जाइए, कोई यंग पर्सन इसको देख रहा हो ज़रूर जाइए लेफ्ट में, रहिए लेफ्ट का, ये करिए लेफ्ट का हिस्सा बनिए, उसका ये करिए, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात कह रही हूँ कि लेफ्ट जब सच से तथ्यों से एक बदलती दुनिया के नए तथ्यों से या पुराने भी कुछ इतिहास के तथ्यों से कुछ बचती है और बचाने के लिए वो जो है वो अपनी नैरेटिव को बचाने के लिए वो तथ्यों से बचती है, तो वो कमज़ोर होती है, जबकि राइट विंग पॉलिटिक्स जो है वो ऐसा करने से मजबूत होती है। तो लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स की अपनी ज़रूरत है कि आप सवाल पूछते रहें। मेरे साथ ऐसा हुआ फिलहाल कि उन सवालों के लिए बहुत अभी लोग समझ नहीं पाए, साथी लोग, और वो मेरे बहुत ही प्यारे, बहुत ही मैं समाज के और भारतीय राजनीति के सबसे बेहतरीन इंसान उनको मानती हूँ, इसलिए मैं उन पर मेरा कोई मतलब दोष नहीं आरोपित मैं कतई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़रूर ये उम्मीद है कि अगर लेफ़्ट को बेहतर होना है हमारे देश में, ज़्यादा सफल होना है, तो उनको इन चीज़ों पर लड़ना, यूथ जो लड़ाइयाँ लड़ी, ये जो ये पुरानी चीज़ें नहीं सिर्फ 80 के दशक की, अभी अभी पिछले 10-15 सालों में OBC रिजर्वेशन जो दिया गया एजुकेशन में,
उसमें सीटें न भरने की जो साजिश थी, उस साजिश को समझ के, उस साजिश को एक्सपोज करके, सड़क पर और कोर्ट में लड़ करके जीत के पूरे देश के युवा इसको फिर इसका बेनिफिट लेते हैं, वो तो ऐसा लड़ी जिसका जो मेरा संगठन हुआ करता था वो संगठन लड़ी। तो ये लड़ाइयाँ ये अगर ना लड़ी जाती तो आज का समाज कैसा होता, बिल्कुल साफ चीज़ है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल कहूँगी वहाँ लड़िए, बस सवाल लेकिन पूछते रहिए, तथ्यों से मत बचिए। तो मार्क्स ने कहा था क्वेश्चन एवरीथिंग, सवाल सबसे पूछा जाना चाहिए और कोई भी सवालों से परे नहीं है। आप कविता ने तो सिर्फ लेफ्ट की बात की, मैं तो कहूँगा कि जहाँ भी रहिए, घर में रहिए, क्लास में रहिए, मेरे साथ रहिए, दोस्तों के साथ रहिए, सवाल पूछना मत भूलिए। आप जिससे सवाल पूछना बंद कर देते हैं वो भगवान बन जाता है और आपकी स्थिति भक्त जैसी रह जाती है और ज्ञान पाने की, आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। थैंक यू आपके यहाँ आने के लिए और इतनी सारी बातचीत के लिए, बहुत शुक्रिया।